गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को, हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। बेहद खास सेशन है फ्रेंड्स आज का ये, और आप में से वो लोग जो हमसे अभी अभी जुड़े हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये सेशन फ्रेंड्स बेहद खास है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हम लोकल्स के साथ साथ थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमिक्स भी डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप करंट मार्केट का डाटा एनालाइज कर रहे हैं निफ्टी का तो, और आज का जो हमारा ये सेशन है फ्रेंड्स इसका टॉपिक भी बेहद खास है, और यह है कि निफ्टी की गिरावट में आखिर क्या छुपा हुआ है। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं तकरीबन 11,800 के लेवल से निफ्टी धीरे धीरे करके लगातार सरकता जा रहा है नीचे की तरफ, और जब जब आप डाटा एनालिसिस करते हैं चाहे वो टेक्निकल्स पर हो चाहे वो ऑप्शन चेन एनालिसिस हो, शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, बट अब जैसे जैसे धीरे धीरे डाटा एनालाइज कर रहे हैं इंडिविजुअल शेयर्स को लेकर, सेक्टर्स को लेकर और उसके साथ में ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी, तो मार्केट को देखकर थोड़ा सा डर लग रहा है। इसकी वजह से पिछले 10 दिनों से हम थोड़ा थोड़ा स्टडी कर रहे थे, डिग डीप करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ डाटा ऐसे मिले हैं जो आपके साथ में शेयर करने ज़रूरी हैं, स्पेशली उन लोगों के साथ में जो मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्टडी करना चाह रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। माफ़ कीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि निफ्टी के अंदर मतलब रिसेशन की तरफ जाने की तैयारी हो रही है, बट डाटा देखिए और उसके बाद आप खुद एनालाइज कीजिए कि आखिर निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। ओके, और रिजल्ट हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इसका आउटकम क्या निकालते हैं। जो डाटा हमारे पास में है वो हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो जब डाटा एनालाइज हम कर रहे थे तो 11,400 का ये आपने वीडियो हमारा देखा होगा कि कैसे हमने डाटा एनालिसिस के बेसिस पर ये सबसे पहले बताया था कि 11,400 का लेवल जो है वो निफ्टी का अपकमिंग लेवल है। ये पर्टिकुलर वीडियो था हमारा जिसके अंदर पहले हमने डिस्कस किया था ये कि निफ्टी का 11,400 का लेवल है। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि डाटा एनालिसिस के बेसिस पर तकरीबन 15 दिन पहले थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि निफ्टी 11,400 जाएगा। एक बार इसकी क्लिप्स है, जरा इसे ध्यान से सुनिएगा इसके अंदर हमने क्या कहा था। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, कॉल पुट क्या कहते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के बंद होते समय, क्योंकि अगले आने वाला जो वीक है, आज चूंकि वीकली क्लोजिंग है इसलिए आने वाले वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है निफ्टी के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसे। अगर समझ में नहीं आता है तो भी ध्यान से सुनते रहिएगा, सुनने से आपको बहुत कुछ पता चलता है। ठीक, क्या मजेदार चीज है कि जो प्रीमियम है वो कम हो रहा है, कॉल साइड का प्रीमियम कॉन्टिन्यूअसली कम हो रहा है। और किन किन लेवल्स पर कम हो रहा है, हर लेवल पर कम हो रहा है कॉल साइड का प्रीमियम। कहां कहां पर, 11,600, 11,700, 11,800, हर जगह प्रीमियम कम हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। 11,700 पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 13,00,000 शेयरों का। इसका मतलब क्या होता है, प्रीमियम कम हो रहा है ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कॉल बेचने वाले हैं ना वो आकर लोगों से कह रहे हैं कि कॉल खरीदो कॉल खरीदो कॉल खरीदो कॉल खरीदो, तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। प्रीमियम कम क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉल बेचने वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हर कोई कॉल बेचने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो एक कहता है कि मैं 45 पर बेचूंगा, तो दूसरा कहता है नहीं 40 पे ही मैं बेच दूंगा, तीसरा कहता है अरे मैं 35 पर बेच रहा हूं कोई आए तो खरीदने वाला, चौथा कहता है मैं 30 पर बेच दूंगा। तो प्रीमियम कम होता रहता है, कॉल बेचने वाले ज्यादा प्रीमियम कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा है इसका मतलब है कि उस चीज के होने की संभावना कम है मार्केट में, यानी निफ्टी के ऊपर जाने की संभावना कम है, और निफ्टी के ऊपर जाने की संभावना कम है इसलिए कॉल मत खरीदिए, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप हो रहे हैं। अब सुनिए कि अगर ऊपर नहीं जाएगा निफ्टी तो ऊपरी लेवल पर रेसिस्टेंस कहां पर है, सबसे स्ट्रांग रेसिस्टेंस है 11,700 पर, और अब वो खिसक कर नीचे आ गया है 11,600 पर, जहां पर 17,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अब निफ्टी नीचे ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे कहां तक जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी में सबसे नीचे जहां पर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा हो और प्रीमियम बढ़ रहा हो वो जगह है 11,400 के पास में।
यानी नीचे की तरफ निफ्टी में रेंज खुली है 11,400, बट उससे पहले कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं जैसे कि 11,500। इतनी आसानी में नहीं टूटेगा 11,500, उसको तोड़ने में बहुत वक्त लगेगा निफ्टी को। सो 11,500 जब टूटेगा उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है। सो नीचे की तरफ निफ्टी की रेंज खुली हुई है 11,400 तक की, देखते हैं क्या होता है आने वाले हफ्ते में। ऊपर नहीं जाएगा तो अगर आपको कुछ करना है तो कीजिए, पुट खरीदिए निफ्टी के अंदर, पुट खरीद कर बैठिए आराम से, ओके। 11,500 की पुट खरीदिए। ओके फ्रेंड्स, ये था वो पर्टिकुलर वीडियो जो कि 9 जुलाई को हमने अपलोड किया था। निफ्टी का डाटा एनालिसिस था, बेसिकली निफ्टी का कॉल पुट ऑप्शन चेंज जो एनालिसिस था वो तो किया ही था, उसके साथ में निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस भी किया था। और उसके बाद अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि निफ्टी की जो रेंज है वो लगातार नीचे की तरफ खिसक रही है, ये थोड़ा सा डर दे रही है। नाउ डर और भी कहाँ से आ रहा है, ज़रा इन इन्फॉर्मेशंस को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद खुद तय कीजिएगा कि हमारी जो एनालिसिस है वो किस हद तक सही है। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी की ध्यान से देखिए। ऊपरी स्तरों पर नीचे से बढ़ता हुआ निफ्टी तकरीबन 11,900 के आसपास में रेसिस्टेंस लेता है, अच्छा। उसके बाद वहाँ से डेली बेसिस पर निफ्टी गिरना शुरू करता है, और कैसे शानदार तरीके से निफ्टी गिर रहा है, लगातार लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, जो कि एक आइडल सिचुएशन है निफ्टी के अंदर आने वाली गिरावट की। किसी भी शेयर में टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में अगर शेयर लोअर लो लोअर हाई बना रहा है तो फिर गिरना शुरू कर देता है। मज़ेदार चीज़ इसमें क्या है कि 50 डेज मूविंग एवरेज के पास में एक शानदार रेसिस्टेंस लेकर दोबारा निफ्टी गिरता है, प्लस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी आज आया है। आज डेट है 25 जुलाई को, निफ्टी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। थर्सडे का दिन था, थर्सडे के दिन निफ्टी के अंदर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए थी, मॉर्निंग के सिर्फ 1 आवर के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई, उसके बाद निफ्टी पूरे दिन तकरीबन 30 से 40 पॉइंट डाउन ही रहा। यानी थर्सडे के दिन निफ्टी गिरने के लिए तैयार है, जबकि थर्सडे को निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए थी अच्छी, बट निफ्टी फ्राइडे की गिरावट जो है उसकी तैयारी आज ही से कर रहा है और निफ्टी अभी भी गिरने के लिए तैयार है। देन अगला जो सपोर्ट लेवल है निफ्टी के पास टेक्निकल बेसिस पर वो 11,150 और उसके बाद 11,000, चूंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है, इसलिए अगला लेवल 11,100 का है। और फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन हम पिछले दो जो हमारे सेशंस हैं, ट्रेडिंग सेशंस, उनसे देना शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जो हमारे इनके टाइटल्स हैं वीडियोस के, वो अभी से होने लगे हैं, निफ्टी का 11,150 और 11,000 का टाइटल, ठीक है, पिछले दो दिनों से हो रहा है ये। सो टेक्निकल्स पर हमें अभी भी लग रहा है कि निफ्टी के अंदर, चलिए ये दो इन्फॉर्मेशन हो गई कि निफ्टी 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है डेली पर और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, प्लस आज थर्सडे के दिन जब निफ्टी को एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देनी चाहिए थी, तब मॉर्निंग के सिर्फ 1 घंटे में शॉर्ट कवरिंग देने के बाद निफ्टी पूरे दिन डाउन रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अगले वीक की जो गिरावट है उसको भी निफ्टी आज ही खत्म कर देना चाह रहा था। खैर, इस गिरावट के साथ टेक्निकल लेवल्स भी आपको मिल गए कि 11,150 और उसके बाद नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल 11,000 का, जहां तक निफ्टी को आना चाहिए। ये इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब जरा इसके साथ में कुछ चीज़ें देखिए। स्मॉल कैप मिड कैप का गिरना समझ में आ रहा है, बट जरा निफ्टी के ये सबसे बड़े शेयर्स, मार्केट के जो दिग्गज हैं, इनके चार्ट्स ध्यान से देखिए। बजाज फाइनेंस, ऊपरी स्तरों से लेटेस्ट गिरावट हुई है, और क्या शानदार गिरावट हुई है कि किसी भी जगह रिकवरी का नाम नहीं लिया है इस शेयर ने। बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, ऊपरी स्तरों से शानदार गिरावट, 200 डेज मूविंग एवरेज को ऐसे तोड़ा है कि जैसे मजाक है 200 डेज मूविंग एवरेज तोड़ना। देन HDFC जैसा दिग्गज, और वो भी देखिए किस तरह से गिर रहा है। देन HDFC बैंक, और सपोर्ट लेवल देखिए कहां कहां आ रहे हैं। HDFC का सपोर्ट लेवल जिस स्तर से गिर रहा है, यहां से सपोर्ट लेवल 2000 के लेवल पर है, यानी यहां से करीब करीब 10% की गिरावट HDFC के अंदर अभी और बाकी है। सोचिए जरा, HDFC के अंदर अगर 10% की गिरावट हो तो HDFC बैंक में अगले सपोर्ट्स लेवल 2155 के हैं। ये प्योर हमारा एनालिसिस है टेक्निकल्स के बेसिस पर, आप इससे बिल्कुल डिफर कर सकते हैं अपनी राय, बट जरा ध्यान से देखिए कि शेयर के अंदर गिरावट कितनी तगड़ी हो रही है। देन MRF सबको पता है, ऑटो एंसिलरी है, बहुत बुरी तरह से गिरा है। ऑटो सेक्टर की तो कहना ही क्या, आप में से वो लोग जो रेगुलर मार्केट ट्रैक करते हैं उन्हें पता है कि ऑटो सेक्टर के जो दिग्गज हैं, मारुति जैसे शेयर हाफ हो गए, बजाज ऑटो, M&M, किसी की भी बात कर लीजिए, टायर सेक्टर पूरे के पूरे की हालत खराब है, 30-40% डाउन है शेयर्स। MRF जैसे दिग्गज देखिए किस तरह से टूटे हुए हैं, मारुति हाफ हो गया है। सनफार्मा, ऊपरी स्तरों से 40-50% का करेक्शन, देखिए जरा क्या करेक्शन दे रहा है। बायोकॉन सेम वही हालत है। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे चार्ट डेली के हैं, कैंडलस्टिक और डेली के, और देखिए बायोकॉन के अंदर भी बेहतरीन गिरावट है। टाटा स्टील, अगर लग रहा है कि स्टील इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत भी रिकवरी आने वाली है, मेटल्स का हालत सबसे ज़्यादा खराब है, ठीक है, मेटल्स की भी हालत खराब है। IT सेक्टर बढ़िया चल रहा है, और उसकी वजह यही है कि जब मार्केट गिरती है तो IT के लिए वो
रिवर्सल इफेक्ट होता है, ठीक, बट TCS के अंदर ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा करेक्शन आ रहा है, FMCGs गिरना शुरू हो रहे हैं, और FMCGs के अंदर ITC का चार्ट देखेंगे आप तो आपको बिल्कुल हैरानी होगी। नाउ HUL जैसा शेयर अगर ऊपरी स्तरों से नहीं निकल पा रहा है, 1853 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है और एक कंसोलिडेशन जोन के बीच में घूम रहा है, ITC चार्ट देखेंगे आप हैरानी होगी, आपको फ्रेश ब्रेकडाउन दे रहा है 268 के पास में और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 273 के नीचे। ये वो शेयर है जिसे बिजनेस चैनल नंबर 2 पर आने वाले एक टेक्निकल एनालिस्ट ने कहा था कि हमने इसे गले भर भर कर खरीदा हुआ है 300 के लेवल पर, शेयर 300 के लेवल के बाद में कभी भी क्रॉस ही नहीं किया। SBI इकलौता PSU बैंक है जो करेंटली ऊपरी स्तरों पर है, बट जिस तरह से ये गैप अप ओपन होकर ऊपर भागा है ये क्लियर इंडिकेशन है कि आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन हो रहा है शेयर के अंदर। बाकी PSU का हालत कैसा है ये आप सभी लोगों को पता है, 6.5 लाख करोड़ रुपए का NPAs हो रखे हैं, कोई उसमें रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है। PNB की हालत देखिए, ठीक, सो ओवरऑल निफ्टी की हालत स्ट्रांग लग रही है, इंडिविजुअल शेयर्स गिरे हुए हैं, ऑटो सेक्टर 50% से ज़्यादा करेक्ट है, फार्मा 30-40% करेक्ट है, पावर सेक्टर की हालत खराब है, IT थोड़ा बहुत सुधरा हुआ है, FMCGs दिग्गज गिर रहे हैं FMCGs के अंदर, और बाकी छोटे मोटे जो ऑटो इंसिलरी हो गई और सीमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इनकी तो बात ही मत कीजिए। बैंकिंग PSUs पूरी तरह से बर्बाद है, एक्साइड और अमर राजा बैटरीज वो भी ऑटो इंसिलरी के अंदर आते हैं, पूरी तरह से बर्बाद हैं, लिकर यूनाइटेड स्पिरिट्स को छोड़कर बाकी सबकी हालत खराब, प्लास्टिक, मतलब आप इंडस्ट्री का नाम लीजिए एक इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज का हालत खराब है, और उसके बावजूद निफ्टी सम हाउ मैनेज किए हुए है 11,200-11,400 के आसपास में। ये एक चीज है जो बिल्कुल समझ से परे है, यहां तक हुआ। अब जरा डाटा एनालिसिस अगला ध्यान से देखिए, MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है ये एक, इसके अंतर्गत जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें से तकरीबन 12 के करीब मार्केट, शायद एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं याद है, 12 के करीब मार्केट्स ऐड हुई हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वेटेज चाइना का है। करंटली जो IMF का की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अंदर इंडिया की जो GDP है, ज़रा इसे देखिएगा, IMF की जो रिपोर्ट है इसमें इंडिया की GDP ग्रोथ जो है वो 7.2 से घटाकर उन्होंने 7 कर दी है, किसके लिए, 2000 के जो ईयर 2019 है इसके लिए, 2020 के लिए और 2021 के लिए, दोनों के लिए ही जो GDP ग्रोथ है उसको डाउनग्रेड किया गया है, और कहा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा है। करंटली पब्लिक के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो पैसा नहीं है जेब में, पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं है मार्केट में, डिमांड नहीं है तो बिजनेस फल ही नहीं पा रहे हैं, क्यों, सामान खरीदा ही नहीं जा रहा है तो बिजनेस चल नहीं रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहे हैं तो इकॉनमी धीरे धीरे वीक हो रही है और ओवरऑल मार्केट के ऊपर असर पड़ रहा है। ये असर 2020 में और 2021 में भी रहना है। नाउ इतनी इंफॉर्मेशन हुई, इसके साथ में IMF ने कहा है कि जो चाइना का मेटल का डिमांड है उसको भी कर्टेल किया गया है, कि मेटल का डिमांड ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। सेकेंड चीज़, ओवरऑल मार्केट में वर्ल्ड में ऑटो सेक्टर की हालत पूरी तरह से ख़राब है, बहुत सारी ऑटो और ऑटो इंसिलरीज की कंपनियां बंद हुई हैं, ये सारी चीज़ पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। और इन सब के साथ में एक बेहद मज़ेदार चीज़ दोबारा से डोमेस्टिक में आई है, ये 1 अगस्त का ऑप्शन चेन एनालिसिस है निफ्टी का, ज़रा ध्यान से देखिएगा कॉल साइड में, ठीक है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ कहाँ खड़ा है, 11,300, 11,350 और 11,400 पर सबसे बड़े ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं। इसमें एक सबसे मज़ेदार चीज़ क्या हो रही है कि 11,350 पर आज ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, इसका मतलब कि पोजीशंस कटी हैं, मतलब लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, यानी इनको ये क्लियर पता है, राइटर्स को ये क्लियर पता है कि निफ्टी ऊपर नहीं जाना है, किन लेवल्स पर नहीं जाना है, 11,300-11,400 जब यहाँ जाएगा यहाँ से निफ्टी वापस नीचे भेजा जाएगा, क्योंकि जो राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन काटेंगे कॉल की, तो यानी निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, निफ्टी नीचे ही जाएगा। अच्छा, नीचे ही जाएगा निफ्टी तो कहाँ तक नीचे जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिए इसे, 5 लाख शेयर आर ऐड हुए हैं फ्रेश पोजीशंस पुट में, टोटल ओपन इंटरेस्ट हुआ है 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 11,200 के लेवल पर, यानी निफ्टी 11,200 तक जाएगा, तो 200 का मतलब 50 पॉइंट्स और ऐड कर दीजिए, 11,150, ये वही लेवल है जो कंफर्म हो रहा है टेक्निकल चार्ट से, 11,150। सेकंड बड़ी मज़ेदार चीज़ है क्या, इसके बाद जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है ना वो देखिए क्या है, 7 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है, 11,000 के लेवल पर। नाउ ये एक इत्तेफाक नहीं है कि एक साइकोलॉजिकली जो लेवल है उस लेवल पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है सबसे नियर ओपन इंटरेस्ट के बाद में,
इसलिए ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के जो अगली रेंज है वो 11,150 के बाद 11,000 की रेंज है। नाउ इन सब के साथ में एक और भी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि जर्मनी की सबसे बड़ी बैंक जो कि डाउशे बैंक है, उसने अपने 20% के करीब एम्प्लॉयज़ की नौकरी हटा दी है। ये बैंक इकलौता अकेला बैंक नहीं है जो अगर बैंक्रप्सी की कगार पर है और अगर ये डूबेगा तो ये अकेला नहीं लेकर जाएगा, ये अकेला नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि ठीक सब प्राइम मॉर्गेज वाले केस की तरह ही डाउशे बैंक का जो पोजीशंस ओपन है डेरिवेटिव्स के अंदर, उसमें उनका लेन देन यूएस की कुछ सबसे बड़ी बैंक्स के साथ भी है, जिनमें जेपी मॉर्गन्स और गोल्डमैन सैक्स भी शामिल हैं। तो अगर डाउशे बैंक बैंक्रप्ट होता है, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी वजह क्या है, डाउशे बैंक का चार्ट ध्यान से देखिए, ये शेयर ट्रेड करता था तकरीबन 30 यूरोस के आसपास में आज से करीब 5-6 साल पहले, और करेंटली ये 9 यूरोस के आसपास में ट्रेड कर रहा है। इसका एक चार्ट लेकर आते हैं आपके लिए, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट, हाँ 7 यूरोस के पास में ट्रेड कर रहा है। ये ट्रेड कर रहा था तकरीबन 30 यूरोस के पास 2014-15 में, आज ये 7 यूरोस के पास में ट्रेड कर रहा है। अप्रॉक्सीमेट अपनी वैल्यू का 60% वैल्यू इरोड कर चुका है डाउशे बैंक। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जो वर्ल्ड के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, समझदार लोग, उन्होंने इसकी आहट अभी से सुननी शुरू की है। 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया था, रिसेशन, वर्ल्ड रिसेशन, उसके लिए 2005-06 में रघुराम राजन जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी। उस समय बहुत मजाक उड़ाया गया था रघुराम राजन जी का, बहुत लोग हंसे थे सब प्राइम मॉर्गेज पर जब उन्होंने रिपोर्ट दी थी अपनी। तो उन्होंने कहा था ये सबसे पहली सुबगाहट है, ये इसे अगर समझ जाएं हम अभी भी तो 2008 वाला क्राइसिस बच सकता था। बट उस समय लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, नहीं माने, खैर बाद में लेटर ऑन हुआ। और वही चीज़ लग रहा है ऐसा मार्केट के अंदर। अब हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो है वो एनालाइज करके आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। अगर ओवरऑल सारे के सारे सेक्टर डाउन हैं तो हाउ कैन निफ्टी सर्वाइव एट 11,400? जबकि अब बिजनेस चैनल्स पर आने वाले जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं वो ये बात कहने लगे हैं मुखर होके कि निफ्टी सिर्फ 50 शेयरों के मैनिपुलेशन का मतलब है। आप 50 शेयर मैनिपुलेट कर लीजिए और आप निफ्टी को ऊपर दिखा सकते हैं, निफ्टी ओवरऑल इकोनॉमी की हालत नहीं दिखा रहा है। सेकेंड चीज़ है कि जब ग्लोबल इकोनॉमी ही वीक है तब आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को किस हद तक संभाल पाएंगे, और अगर धीरे धीरे पैसा FIIs यहाँ से निकाल रहे हैं और हर दिन आपको ये संकेत मिल रहा है कि निफ्टी लगातार नीचे जा रहा है, तो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछना चाहिए फ्रेंड्स कि बिजनेस चैनल्स आखिर इन इश्यूज़ को डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं। बिजनेस चैनल डाउशे बैंक के इस प्रॉब्लम को बाहर निकाल कर क्यों नहीं ला रहे हैं, इसे डिस्कस करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको ये काम करना चाहिए अपनी तरफ से, लगातार जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करना शुरू कीजिए, उनके बारे में पढ़िए। एक सबसे इंपॉर्टेंट खबर और भी है कि आने वाली फेडरल रिजर्व की मीटिंग में अगर फेड ने अपने रेट्स हाइक किए तो इसका मतलब होगा कि इकॉनमी की हालत ख़राब है, और इसलिए माफ़ कीजिएगा, रेट अगर कट किए, जो कि हैं एक्सपेक्टेड है कि 80% के करीब इकोनॉमिक्स कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करेगा। रेट कट तभी करता है फेड जब फेड को ज़्यादा पैसा सिस्टम के अंदर डालना होता है, यानी जब इकॉनमी वीक हो रही हो तब रेट कट होता है। अगर फेड ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया तो इसका मतलब होगा कि इकॉनमी की हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, और अगर वर्ल्ड इकॉनमी की हालत ख़राब हो रही है तो फिर निफ्टी यहाँ से इन लेवल्स को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है, इसे तो फिर बहुत शानदार गिरावट दिखानी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा ये कहना नहीं है कि निफ्टी ऐसा होगा, हम सिर्फ जो ग्लोबल क्यूज़ मिल रहे हैं और डोमेस्टिक क्यूज़ जो हैं उनके आधार पर ये एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं। जो शेयर एकेडमी चैनल हम चला रहे हैं इसमें हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। लोग बहुत खुश हुए थे जब 11,400 का लेवल आया था, बहुत सारे हमारे ऑप्शन ट्रेडर थे जो हमारे मना करने के बावजूद ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि सर प्रेडिक्शन सही रहा आपका। तो हमने बताया कि ये प्रेडिक्शन नहीं है, बेसिकली ये डाटा एनालिसिस है, अगर आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं तो आपके लिए भी ये उतना ही सही होगा, आप भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हमारे लिए एक जिम्मेदार निवेशक होने के तौर पर हमारी जिम्मेदारी ये है अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते रहिए, इन्फॉर्मेशन निकालते रहिए और शेयर करते रहिए एक दूसरे के साथ में अगर किसी को लग रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आंख बंद करके करंट मार्केट के अंदर बाई नहीं करना है, और स्पेशली मार्केट किस तरफ जाएगा ये अब डोमेस्टिक मार्केट तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेंगे अब इंटरनेशनल क्यूज। इसीलिए रिलैक्स होने का टाइम है मार्केट के अंदर, कैश रखिए हाथ में, इंडिविजुअल शेयर्स के अंदर अगर खरीदारी के मौके मिल रहे हैं तो वहां खरीदारी कीजिए, जितना रिटर्न मिल रहा है उतना रिटर्न निकालिए, आंख बंद करके कहीं भी बाई मत कीजिए, और
करेंटली फॉलिंग नाइफ को तो कैच करने की कोशिश ही मत कीजिए, बॉटम फिशिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप में से वो लोग फ्रेंड्स जिन्होंने ये सेशन देखा है, काइंडली एक बार कमेंट बॉक्स में जाइए और ज़रा बताइए कि जो भी हमने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है इसके बारे में आपका क्या कहना है। अपनी नॉलेज ज़रूर बढ़ाते रहिए क्योंकि इस मार्केट में इसी चीज़ की ज़रूरत है। ये मार्केट अब ट्रेडिंग लायक नहीं रही है। स्मॉल कैप मिड कैप गिर चुके, अब लार्ज कैप की बारी है और लार्ज कैप जब गिरते हैं तब निफ्टी एक दिन में 100-150 पॉइंट डाउन होता है। सबसे पहले इन चीज़ों को कहने के लिए आपके पास नॉलेज के साथ में एनालिसिस और उसके साथ में आपके पास चाहिए थोड़ा सा करेज ताकि आप इतने नीचे के लेवल्स बता सकें। हो सकता है कि नॉलेज सही हो सकता है कि नॉलेज गलत हो, ये अलग चीज़ है, बट कॉशस होने में कभी कोई बुराई नहीं होती। मार्केट में कॉशस होने में कभी कोई बुराई नहीं है और ग्लोबल क्यूज़ तो इसी बात का संकेत दे रहे हैं कि मार्केट में कॉशस होने की ज़रूरत है। करेंटली ज़रूरत इन चीज़ों की है कि बजाय निफ्टी को रोज़ रोज़ देखने के इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए क्योंकि यही अब मार्केट की दिशा तय करेंगे। और अगर हम गलत नहीं है तो आगे आने वाला एक क्वार्टर, दो क्वार्टर या तीन क्वार्टर तक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो बड़ा पैसा लगाने का ये समय नहीं है बल्कि ये समय है अपना नॉलेज बढ़ाने का, सावधान होने का और मार्केट के निवेशक गुरुओं ने जो कुछ भी हमें सिखाया है उस नॉलेज को इस्तेमाल करने का। सो फ्रेंड्स, हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए, साथ ही हमारे साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों को इस वीडियो के विषय में क्या लगता है या इस टॉपिक के विषय में क्या लगता है। कुछ भी अगर आपको सीखने के लिए मिला है या आपको लगता है कि निफ्टी का ये जो लेवल जिनकी कि हम जिक्र कर रहे हैं, अगर ये गलत है तो गलत भी, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपके दिल में है और जो जितनी भी आपके पास में इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप लोगों के कमेंट से कई बार हमें बहुत सारी नई स्टडीज़ करने का एक डायरेक्शन मिलता है, मौका मिलता है। सो उम्मीद है कि जो ये नॉलेज हमने आपके साथ में डिस्कस की है फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन और ये नॉलेज आपकी थोड़ी बहुत मदद करेगा। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहां पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।